मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये शिल्पी सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी, पीजीटी इंग्लिश। टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेसन, दैट इज लेसन 8, फायर, फ्रेंड एंड फो। फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। व्हाट इज फायर एंड हाउ डिड वी डिस्कवर इट, हाउ डू वी कंट्रोल इट, दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेसन। क्लियर क्लास? नाउ वी विल गो थ्रू द समरी ऑफ दिस पॉइंट लेसन। अर्ली मैन एंड फायर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अर्ली मैन एंड फायर। अर्ली मैन मस्ट हैव फाउंड फायर टू बी डेंजरस एंड फ्राइटनिंग। क्लियर? डेंजरस और फ्राइटनिंग उनको लगी होगी, ठीक है, बट फायर उनके लिए क्या होगी? मिस्ट्री। फायर मस्ट हैव बीन अ मिस्ट्री फॉर एन अर्ली मैन, बट इट इज़ नोन टूडे दैट इट इज़ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन आजकल हमें ये पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन है। पहले भले ही ये लोगों के लिए मिस्ट्री होगी, रहस्य होगा, लेकिन आज की डेट में क्या है? ये केमिकल रिएक्शन। क्लियर? व्हेन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ फ्यूल एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। क्लियर? आप देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन एयर में हो और इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, और फ्यूल हो, तो ऐसे में पता चलता है कि आपकी जो है ये एयर मतलब फायर होती है, ठीक है। तब इसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो हीट और लाइट से, ठीक है ना, तब ये क्या होती है? फायर होती है। जो एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट एंड फायर, फायर और हीट के रूप में। टू मेक द फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन इज नीडेड। फायर को बनाने के लिए और इसके लिए देखिए, टू मेक फायर फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन इज नीडेड। हीट और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे वुड है, कोल है, गैस, ये सब जो है ना, ऑक्सीजन, ये अवेलेबल होते हैं एयर में। बट टू कॉज फायर हीट इज इसेंशियल। अ पीस ऑफ पेपर डज नॉट कैच फायर अंटिल दैट इट इज सप्लाइड टू इट। एवरी फ्यूल बर्न्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और काइंडलिंग टेम्परेचर। यानी कि एक बर्निंग पॉइंट होता है, एक टेम्परेचर पॉइंट होता है, उस टेम्परेचर पर आने पर ही जो है कोई भी चीज़ जो होती है वो जला सकते हैं। क्लियर? फायर जो है एक फ्रेंड भी है और एक एनिमी भी हो सकती है। फायर इज बोन इफ इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल, ओके, बट कैन बी डेंजरस इफ इट गोज आउट ऑफ इट। ये जो है आपकी क्या हो जाती है कि ये बोन भी है जब हम इसे अंडर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन ये डेडली और डेंजरस भी हो जाती है जब हम इसे हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है। इट इज़ यूज्ड इन आर्स डेली फॉर कुकिंग फूड, बर्निंग कैंडल्स एंड सो ऑन। हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे हम कुकिंग फूड कर रहे हैं, बर्निंग कैंडल्स बर्न कर रहे हैं, और अगर ये कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो ये लाइफ को डैमेज कर देती है, घर को, फॉरेस्ट को, सब कुछ ख़त्म कर देती है। तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाई टेकिंग अवे एनी थ्री ऑफ द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। जो भी बर्निंग में चीज़ें जरूरत होती है उसमें से कोई भी एक चीज़ अगर हम ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि कंट्रोल हो सकती है। इट कैन बी स्टॉप्ड इमीडिएटली बाई टेकिंग अवे द फ्यूल, और फ्यूल को लेने से तुरंत स्टॉप हो जाती है। इट कैन बी स्टॉप्ड बाई टेकिंग अवे द फ्यूल, फ्यूल को लेने से, ठीक है। एंड देन इट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाई कटिंग द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई अगर उसको भी हम कंट्रोल कर लेते हैं, कट कर देते हैं, तो इसके भी ये कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। फॉर दिस मेनी अ टाइम्स ब्लैंकेट आर थ्रोन ओवर बर्निंग ऑब्जेक्ट। किसी बर्निंग ऑब्जेक्ट पर हम ब्लैंकेट डाल देते हैं। अनदर वे इज टू रिड्यूस द फ्लैश टेम्परेचर। दिस कैन बी डन बाय स्प्रेइंग वाटर विद लोअर डाउन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, ठीक है ना, हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं पानी वगैरह डाल करके। हाउएवर वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू पुट आउट ऑन इलेक्ट्रिकल फायर्स और एन ऑयल फायर। जब आपकी फायर किसी ऑयल की वजह से लगी हो या फिर किसी इलेक्ट्रिकल उसकी वजह से लगी हो, इलेक्ट्रिकल फायर हो, तब हम उसके ऊपर पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट वे। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक जो वो होता है आपका मिक्सचर है, उसको हम डालते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी इलेक्ट्रिकल फायर को, ठीक है। फायर फाइटर्स जो थे पहले के लोग क्या किया करते थे, वो एक ह्यूमन चेन बना लिया करते थे किसी पॉन्ड के आसपास से, और वहाँ से बकेट भर भर के पानी जो है पास करते थे, ठीक है, और उस तरह से जो है उसको कंट्रोल कर लिया करते थे। लेकिन आजकल क्या है, दीज डेज देयर आर ट्रेंड पर्सनल्स टू हैंडल दिस। लोग ट्रेंड होते हैं, जैसे फायर ब्रिगेड्स वगैरह होते हैं वो लोग, ठीक है ना, और इनकी जो टीम होती है वो फायर फाइटर्स कहलाती है, ठीक है, और फायर ब्रिगेड भी।
ठीक है, और ये जो है स्किल्ड होते हैं, ये चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं कि किस तरह की आग है और कैसे कंट्रोल करना है, और उनको नॉलेज भी होता है ठीक है कि किस तरीके से लोगों को भी ट्रीट करना है और किस तरीके से क्या, अगर कोई परेशानी कोई इंजरी हो गई है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, अगर किसी को स्मोक की वजह से दिक्कत आ गई है तो उसको कैसे टैकल करना है, वो स्किल्ड होते हैं, दे नो हाउ टू टैकल द सिचुएशन एंड हाउ टू टैकल द पीपल हु फेस द प्रॉब्लम ड्यू टू फायर और स्मोक. डिस्कवरी ऑफ फायर हैज़ बीन अ ग्रेट बून टू मैनकाइंड. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है. फायर इज़ वर्शिप्ड एज गुड एज गॉड इन मेनी कल्चर्स अराउंड द ग्लोब्स. फायर जो है एक पूजा होती है कई एज गॉड, मतलब गॉड की तरह उनको पूजा जाता है कई कल्चर में. हमारे कल्चर में भी आप देख सकते हो कि हम अग्निदेव कहते हैं. इट इज़ अ डियर फ्रेंड इफ कैन बी यूज प्रॉपरली बट कैन टर्न डेंजरस इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल. अगर हम इसको अच्छे से टैकल करते हैं तो ये बहुत अच्छी फ्रेंड है हमारी, और अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये डेडली हो जाएगी और ये डेंजरस हो जाएगी. आई थिंक क्लास आपको लेसन में क्या है ये तो क्लियर हो गया होगा. नाउ इन लाइव क्लास वी विल गो थ्रू द टेक्स्ट. ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इट इन अवर लाइव क्लास. ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.